लोग बहुत कहते हैं कि आपको ढाई लाख रुपया मिला होगा दस लाख रुपया मिला होगा हमने कहा हमें बहुत कुछ मिला है हम हिंदू परिवार से हैं हम ये नहीं जाने कि लोग कहते हैं कि ईसाई हो गए ये हो गए वो हो गए हम एक अच्छा इंसान हो गए ईसाई से इंसान बन गए पहले हम इंसान नहीं उस चर्च के द्वारा हमारे बच्चे जो है गाली देते थे झूठ बोलते थे चोरी करते थे हल हा, उसके लिए हम आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं आपके बीच में एक बहुत ही बड़ी गवाही लेकर आया हूँ और हमारे बीच में दो भाई हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और एक हिंदू परिवार से हैं और काफ़ी दिनों से जो है कि प्रभु को मानते हैं और जानते हैं और उनके रास्ते पे चलते हैं और आज हम जानेंगे कि क्यों और कब और कैसे प्रभु में आए और उनके मुँह से ही हम लोग सुनेंगे कि प्रभु में आने का क्या रीज़न था और प्रभु में कैसे आए तो आपका स्वागत है और आप बताइए कि प्रभु में क्यों आए प्रभु में पहले तो प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं लाख लाख धन्यवाद करते हैं और प्रभु को इसलिए प्रभु में हम आए कि पहले तो हम इस अंधकार के दुनिया में थे और जो है कि प्रभु को हम नहीं जानते थे लोगों ने जो है कि हमारे दुख को तकलीफ़ को देख करके बताए कि आप फला चर्च में जाइए तो हमारे पहले छोटे से बच्चे गए और चर्च में तो उसके बाद जो है फिर हम जो है बच्चों को बोल लगे बोलने कि आप जो है चर्च से आ गए हाँ तो फिर वो बच्चों ने हमसे बोले कि पापा आप भी एक दिन चलिए तो हम भी सोचे कि मन में ठीक है बच्चे अगर कह रहे हैं तो हम भी चलें और देखें क्या है क्या नहीं है जब हम पहले संडे को गए चर्च में तो क्या हुआ कि पहली बार जो है उस चर्च को हम देखे चर्च का नाम तो हम सुने थे कि चर्च होता है मंदिर होता है मस्जिद होता है गुरुद्वारा होता है लेकिन परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से रचने से पहले मतलब चुना था और हम बीच बीच में मतलब ये शब्द कहते थे कि देखिए एक जो है क्रिश्चियन लोग होते हैं साल में एक त्यौहार मनाते हैं क्या वो गरीब हैं लेकिन हमारे परिवार हम लोग हिंदू परिवार के थे देखी देखा में लोग बहुत लोग कहते हैं कि हिंदुओं के लोग पास जो है बहुत सा त्यौहार होता है तो हम लोग भटक गए थे लेकिन जब हम कहें कि देखिए साल में एक 25 दिसंबर आता है और कितने धूमधाम से मनाया जाता है फिर भी वो गरीब नहीं होते हैं शिक्षित भी होते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम चर्च में गए और चर्च में देखे कि मतलब आराधना प्रार्थना चल रहा है और मतलब हम भी उसमें मतलब भागे हुए और आराधना प्रार्थना शुरू किए फिर उसके बाद जो है वही संडे जितना संडे आता था तो उसके बाद जो हम रुके नहीं बीच में चलते गए चलते गए लेकिन हम एक चीज़ और सोचे मन में कि प्रभु हमको मतलब मिल गए हाँ हमने सोचा कि देखिए प्रभु का सिर्फ हमें धन्यवाद करना है यहाँ कुछ है नहीं ना कोई सी की मूर्ति है ना किसी की, की कोई बनावटी है और जो है कि बहुत लोगों को हमने देखा चंगा होते हुए बहुत लोगों की गवाही भी सुने लेकिन हमें गवाही और चंगाई से कोई ज़रूरत नहीं था हमें जरूरत तो ये था कि हमारा जीवन बदल गया हमने जो शिक्षा हम जो हमारे बच्चे जो अच्छे स्कूल में अगर डालते तो वो शिक्षा जब मिलता तब मिलता लेकिन हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा मिली उस चर्च के द्वारा हमारे बच्चे जो है गाली देते थे झूठ बोलते थे चोरी करते थे हाल हाँ उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं बच्चों को कि बच्चे जो है हमको सिखाया कि पापा आप जो है चर्च चलिए और मतलब पहले आपके बच्चे मतलब जा रहे हैं। हाँ जा रहे थे नहीं पहला संडे गए उसके बाद हम जाना शुरू कर दिए फिर हम सोचे हमारे प्रभु मिल गए हमको और फिर हम रुके नहीं पीछे मुड़ करके नहीं देखे क्योंकि जो हल चलाता है अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो वो खेत सही नहीं जोत पाएगा तो इसीलिए हम पीछे मुड़ करके नहीं देखे और आपके साथ क्या ऐसा हुआ जिसको आप जिसके बाद जो है प्रभु का आप मानने लगे हमारे साथ ये हुआ कि हमें बहुत बड़ा शांति मिला सबसे बड़ी चीज़ तो ये है और मुँह से हम जो अब शब्द बोलते थे चाहे मन में हमारे घमंड आता था वहाँ हमको सारा शांति और सारा समझ और ज्ञान मिल गया हमको वहाँ पे लेकिन लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जो है कि पैसा भी मिलता पैसे की बात तो छोड़ दीजिए वो तो पैसा तो हम तो अब किसी को नहीं देखे लेते हुए देते हुए और जितना लोग जो कुछ कह लें किसी का कोई बात क्या हम रोके नहीं हैं हमको तो परमेश्वर ने ऐसा धन दे दिया कि हम उसका जो है ब्याह नहीं कर सकते हैं उसका तारीफ कम करना पड़ कम पड़ जा रहा है हम क्या कहें और प्रभु ने हमें जीवन दिया पैसे की तो बातें छोड़ दीजिए प्रभु तो हमको एक नौकरी अच्छी नौकरी दिए अच्छा मकान दिए अच्छा परिवार दिया ही हमारा धन है हम धन के पीछे नहीं भागे लोग बहुत कहते हैं कि आपको ढाई लाख रुपया मिला होगा दस लाख रुपया मिला होगा हमने कहा हमें बहुत कुछ मिला है हाँ हम उसका तारीफ करना कम पड़ जा रहा है और प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें लोग तमाम तरह की निंदा या बुराइयां या जात बदलने की बात भी लोग कहते हैं लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम बल्कि और आनंदित तो और मग्न हुए हम इस बात को और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि हम जो भी काम करते हैं परमेश्वर के नाम लेकर के धन्यवाद करते हैं उस काम को परमेश्वर के नाम से शुरुआत करते हैं और हमें कोई आज तक घटी कोई कमी नहीं हुआ और हमें परमेश्वर अच्छे स्थान पर रखते हैं हम बल्कि जो है कहीं भी जाते हैं हम बहुत नम्र और मतलब नम्र हो जाते हैं लेकिन परमेश्वर जो है हमें अच्छे जगह पर बैठाते हैं अच्छे लोगों से बातें कराते हैं अगर हमारा कोई दुश्मन भी है कल हमें कुछ कह दिया तो उसके लिए हम प्रार्थना करके जाते हैं और फिर हमें जो है वो नम्र ही मिलता है वो इंसान और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा परिवार जो है सब एक मन हो गया सब एक विचार हो गया हमारे छोटे वाले भाई हैं वो भी हमारे हम लोग एक ही साथ चर्च में गए एक ही दिन गए और हम लोग का मन एक जैसा हो गया और फिर हम लोग जो है बाइबिल पढ़ना शुरू किए आराधना प्रार्थना शुरू किए हम लोग रुके नहीं यानी चलते ही रहे फिर उसके बाद जो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम कभी कोई गाना नहीं गाए थे स्टेज पे, ना कोई गाना बनाए थे लेकिन परमेश्वर का हम जाते जाते, जाते जो है कि गाना जो है बनाना शुरू किए और गाना भी शुरू किए स्टेज पे जी। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक स्टेज दिया गाने का हम कभी घर में भी नहीं गाना गुनगुनाए थे ना ही गाना बनाए थे लेकिन हम जो हमारा यूट्यूब में भी गाना चला इसके लिए प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बिहार के लोग भी मतलब इस गाने को बहुत लाइक किए मतलब और, और तारीफ भी मतलब किए कि प्रभु में आप जो भी गाना बनाए हैं बहुत अच्छा है प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद किस बात के लिए और प्रभु का और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी अपने धर्मियों के लिए बड़े बड़े नए नए कार्य और बड़े बड़े योजना बना करके रखते हैं हम हिंदू परिवार से हैं हम ये नहीं जाने कि लोग कहते हैं कि ईसाई हो गए ये हो गए ओ हो गए हम एक अच्छा इंसान हो गए ईसाई से इंसान बन गए पहले हम इंसान नहीं थे हम पहले क्या थे वो तो हमारा मन जानता है दिल जानता है और हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि देखिए परमेश्वर जो है जो है लोगों को जीवन देने आया था जीवन लेने नहीं आया था हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जीवन देता है जीवन लेने नहीं आया था और अपना जीवन दे कर के गया और लोग विश्वास नहीं करते हैं लोग अंधकार के दुनिया में डूबे हुए हैं हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक नूह था जो कह रहा था कि कि विश्वास करो लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं करते हैं लेकिन जो विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाते हैं हम प्रभु के लिए ही धन्यवाद करते हैं तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका परिवार जो है बिल्कुल एक मन हो के नहीं रहता था और उसका कारण ये काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे अपने बच्चों से अपने फैमिली से अपने परिवार से लेकिन जब इन्होंने चर्च में गया और परमेश्वर के वचन को सुना तो इनको लगा कि सचमुच ये परमेश्वर कुछ कर सकता है और उसी के कारण प्रभु में जाते रहे और इनका सारा परिवार जो है कि एक मन हो गया और मैं आपको बता दूं कि इनके छोटे भाई हमारे बीच में है और उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये बड़े भैया जो बता रहे हैं कि कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ और कोई भी पैसा नहीं दिया गया क्योंकि आजकल लोग जो है सोशल मीडिया पे इस प्रकार से कर रहे हैं कि ईसाई लोग पैसा दे के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं अगर इस प्रकार से लोग कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत है और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ तब तक आपको और आपके पूरे परिवार को इस वीडियो के द्वारा प्रभु आशीष दे और फिर मिलेंगे तब तक जय मसीह